नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार और बहुत ही टेस्टी तरीके से बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आम को मैंने अच्छे से धोकर लिए हैं, अब इन्हें काटेंगे। तो काटने के लिए कोई चाकू से अथवा हंसिया वगैरह आपके पास हो तो उसे भी काट सकते हैं, बहुत ही आसानी से उससे कट जाते हैं। फिलहाल मैं आपको चाकू से ही काट कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से ऊपर का भाग आम का निकाल देंगे। अचार के लिए हम बिल्कुल कच्चा आम लेंगे, पका बिल्कुल नहीं लेंगे, नहीं तो खराब हो जाते हैं अचार। तो आम को अब पीस में काट लेते हैं। तो इस तरह का आपके पास हंसिया हो तो नीचे बैठकर आपको आसानी हो जाएगी इसे काटने में। आम में गुठली आने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है काटने में, लेकिन फिर भी कट जाता है। इस तरह से करेंगे, थोड़ा टैप करेंगे और इस तरह से चाकू को प्रेस करते हुए इस तरह से हाथों पर रखकर भी इस तरह से काट सकते हैं, लेकिन हाथ बिल्कुल मत काटिएगा। अब इन्हें मनपसंद साइज को काट सकते हैं। वैसे भी अचार थोड़ा कम ही खाया जाता है, तो आप छोटे छोटे पीस में काटें तो बेटर होगा। इस तरह से दो पीस में और कर लेते हैं और फिर इन्हें काट लेंगे। तो इसका गुठली निकाल कर और इन्हें छोटे छोटे पीस में काट लेंगे इस तरह से। इस समय आम को काटना थोड़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन इसी तरह का आम का अचार अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से जिस तरह से आपको सुविधा हो इस तरह से काट लीजिएगा। तो एक आम को मैंने काट कर रख लिए, इसी तरह से सारे आम को काट लेंगे। और इसका इस तरह का ऊपर का भाग होता है, इस तरह का निकाल दीजिएगा। और इसका बीज भी तो मैंने सारे निकाल कर रख लिए हैं, इन्हें साइड में रख देते हैं। अब इन पीसों को हम एक स्टील के बर्तन में रख लेते हैं। अब इन बर्तन में हम पानी डालेंगे, यानी इन्हें डुबा कर रखेंगे पानी में। और आधा चम्मच नमक डाल लेते हैं। 1 किलो आम को बना रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच नमक डालकर और इन्हें आप चाहे तो रात भर पानी में अथवा 3-4 घंटा के लिए पानी में डुबा कर रखेंगे। और फिर इन्हें पानी से छान लेंगे और धूप में इन्हें सुखाएंगे, कपड़े में अथवा प्लेट में डालकर, या पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। इसका पानी सिर्फ सुखाना है हमें, बहुत सुखाना भी नहीं है। तो मैंने पहले से ही सुखा कर रखे हैं इन्हें। एक प्लेट में मैंने डालकर 1/2 घंटे के लिए धूप में रख दिए थे। तो ये इसका पानी सूख चुका है, देखिए पूरा ड्राई होना चाहिए पानी, इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो अब इनसे अचार बनाते हैं। तो अचार बनाने के लिए हमें मसाले क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं पहले। तो अचार में डालने के लिए मैंने मसाले लिए हैं, ये 4 चम्मच खड़ा धनिया है और 3 चम्मच मैंने मेथी लिए हैं, 3 चम्मच सौंफ लिए हैं, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच कलौंजी, इसे मुंगरेल भी कहते हैं, मुंगरेला भी कहते हैं। सरसों के दाने 5-6 चम्मच लेंगे, इसके जगह आप तोरी के दाने भी ले सकते हैं। और चिली फ्लेक्स लिए हैं 3-4 चम्मच, इसके जगह आप लाल मिर्च को भी पीस कर डाल सकते हैं इसमें। और सरसों का तेल या तोरी का तेल 4 चम्मच लिए हैं, या आवश्यकता अनुसार डालेंगे। तो अब इन मसालों को हम हल्का रोस्ट करेंगे और तेल को धुआने तक गर्म करेंगे। और मसाले को 1 मिनट हल्का रोस्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, और दरदरा पीसिएगा, बहुत बारीक भी नहीं पीसिएगा। तो मैंने पहले से ही मसाले पीस कर रखे हैं और तेल को भी मैंने धुआने तक गर्म करके लिए हैं। तो ये ले लेते हैं। और मुंगरेल यानी कलौजी को हम पीसेंगे नहीं, इसे खड़ा ही डालेंगे। तो मसाले हमारे तैयार है, तो हम अचार बनाते हैं अब। तो अब एक स्टील के बर्तन में आम का सूखा हुआ पीस डालकर और इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। एक आम था और ये 300 ग्राम आम है, तो मैं इसमें 1 चम्मच अभी नमक डाले हैं और 1 चम्मच मैंने पानी में डुबाते समय डाले थे, तो आप उसी हिसाब से लीजिएगा। तो अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं और अच्छी तरह से इन्हें मिलाकर 1 दिन अथवा 2 दिन इसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो इन्हें हम एक प्लेट से ढककर रख देते हैं और बीच बीच में 1-2 बार इस तरह से चला देंगे दिन में, ताकि नीचे ऊपर हो जाए। और इन्हें पूरी तरह से नहीं ढकेंगे, थोड़ा सा हल्का खुला रहने देंगे जिससे इसमें हवा जाए। तो मैंने पहले से ही एक करके रखे हैं, इसे ले लेते हैं और इसे अचार बनाते हैं। तो इसमें 2 दिन के बाद जूस आ गए थे, तो मैंने 1/2 घंटा के लिए इसे धूप में रख दिए थे, तो इसका जूस सूख गए हैं। तो इनसे हम अचार बनाते हैं। तो ये 300 ग्राम आम का पीस है, तो इसमें मैं 2 चम्मच मसाले भरकर डाल रही हूँ, तो आप इसी हिसाब से लीजिएगा आप भी। वैसे अचार में थोड़ा सा मसाला ज़्यादा पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं। चिली फ्लेक्स 1 चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने 1/2 चम्मच डाले हैं, इसे कलर अच्छा आएगा अचार का। और कलौंजी 1/2 चम्मच
और 2 चम्मच तेल अभी डालकर मिला लेते हैं अच्छी तरह मसाले को। फिर तेल हम बाद में डालेंगे जब हम बोतल में रखेंगे अचार को। तो सारे मिला लिए हैं और इस बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में अचार, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से बनाने से अचार। शायद आपको कैमरा में अभी इसका कलर अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, मैंने बॉल नहीं बाले हैं, रुकी मैं बालती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर। तो अब इन्हें धूप में सुखाने की जरूरत नहीं है, इसे हम साफ सुथरे जार में अथवा बोतल में भर कर रख सकते हैं। और देखिए मैंने पहले से ही बहुत मात्रा में अचार बना कर रखे हैं, इसे मैंने पहले से ही तैयार करके रखे हैं और ऐसे सूख जाते हैं चम्मच से चलाने के बाद। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, उसमें अभी कम तेल रखे हैं और जब बोतल में रखेंगे तो भरकर तेल रखेंगे तो ऐसे के वैसे ही रहेगा। और मसाले मैं आपको जितने दिखाए थे वो 1.5 किलो आम के लिए मैंने बताए थे, उतने में सभी मसाले लग जाते हैं। यदि मसाले आपको बच भी जाए तो आप किसी एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और मसाले आप यूज कर सकते हैं दूसरे अचार जब आप कोई बनाए तो। अब इन अचार को हम कोई साफ सूखे जार में रख सकते हैं, तो मैंने इस जार में रख रही हूँ। ये मैंने साफ करके और धूप में अच्छी तरह से सुखा लिए थे। कोई भी अचार में किसी तरह की नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अचार जल्दी से बिगड़ जाते हैं। इस तरह से अचार को भर लेंगे जार में और बोतल में 1 इंच ऊपर से जगह रखेंगे। वैसे मैंने अभी भर कर रख लिए हैं अचार को, और दूसरे बोतल में जब सारे अचार डालेंगे तो इसमें से भी दूसरे में शिफ्ट करेंगे, यानी जार को 1 इंच खाली रखेंगे तभी हम तेल डालेंगे। और तेल जब हम डालेंगे तो धुआं निकाल कर और ठंडा करके ही तेल डालिएगा, और अचार से तेल थोड़ा ऊपर डालिएगा तो अचार बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे ट्रेडिशनली आम का अचार कुछ अलग तरीके से बनाए जाते हैं, वो भी टेस्ट अच्छी ही लगती है, लेकिन इसका टेस्ट अलग होता है। तो आप इस तरह से पहले बनाकर खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।